वेलकम टू टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग जमशेदपुर। जय हिंद फ्रेंड्स। आज मेरे साथ है टेक्नो इंस्टीट्यूट का HVAC के फैकल्टी मिस्टर गौतम सर, और हम लोग आज गौतम सर से HVAC कोर्स के बारे में जानकारी लेंगे। वेलकम सर। सर, पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। सर, मैं आरडी डाटा हायर सेकेंडरी स्कूल से प्लस टू पास करने के बाद कॉपरेटिव कॉलेज में BSc में एडमिशन लिया, और BSc करते करते हमारा ट्रेड अप्रेंटिस टाटा स्टील में सिलेक्शन हो गया। ट्रेड अप्रेंटिस 3 साल का है। 1973 में हम ट्रेड अप्रेंटिस में सिलेक्ट हुआ, और 1977 में हमको परमानेंट एम्प्लॉई टाटा स्टील में योगदान दिया। और ऐसे करते हुए मैं 1990 से हम बाहर नौकरी करते करते बाहर HVAC का यानी एयर कंडीशनिंग का पढ़ाई इंस्टीट्यूट में शुरू किया, ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया। तो आज 90 से लेकर आज करीबन 33 साल से मैं इस काम में जुड़ा हूँ इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग देने का। सो HVAC। सो फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं, हम लोग का गौतम सर वन ऑफ द मोस्ट सीनियर फैकल्टीज है HVAC कोर्स के बारे में। तो हम ये जानना चाहते हैं सर, थोड़ा हम लोग का व्यूअर्स को बताइए कि HVAC का जो कोर्स होता है टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग में, उसके बारे में। यहाँ थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होता है। थ्योरी भी जो भी होता है वो एक्सपीरियंस यानी किताबी बात कम है, केस स्टडी की बात ज्यादा है। क्या प्रॉब्लम फेस करता है, उसका समाधान क्या होता है, मशीन में क्या क्या प्रॉब्लम होता है और उसको कैसे समाधान करते हैं, ठीक करते हैं, और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या करते हैं ताकि मशीन खराबे ना हो। ओके सर, थैंक यू सर। सर, ये मैं पूछना चाहता हूँ, थोड़ा टेक्नो इंस्टीट्यूट में जो HVAC का कोर्स है उनके सिलेबस के बारे में थोड़ा संक्षेप में बताइए। वही बात मैं दोबारा बताता हूँ कि यहाँ थ्योरी, कुछ थ्योरी है प्योर थ्योरी, क्या उससे प्रैक्टिकल का लेना देना नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल से जुड़ा हुआ है। जैसे सबसे पहले होता है कोई भी काम जानने के पहले आपको क्या होता है कि यूनिट के बारे जानकारी, यूनिटरी मेथड के बारे जानकारी होना चाहिए, एरिया वॉल्यूम के बारे जानकारी होना चाहिए, प्रेशर टेम्परेचर हीट, और फिर है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, हीट का यूनिट और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी का यूनिट। इसके बाद आता है रेफ्रिजरेशन साइकिल, इसके बाद आता है कंपोनेंट्स, कंप्रेसर कंडेंसर एक्सपांशन डिवाइस एवापोरेटर, सबका अलग अलग विवरण, क्या कितने टाइप का होता है, क्या क्या प्रॉब्लम होता है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की बात, क्यों आप जानते हैं कि हमारी 50% मैकेनिकल है, 50% इलेक्ट्रिकल है। मैकेनिकल इसका हार्ट है शरीर का, हमारे मनुष्य शरीर जैसा हार्ट है, मैकेनिकल इसका हार्ट है, और बाकी सारा जो चीज़ है शरीर में जो शरीर को चलाता है वो इलेक्ट्रिकल है। तो इलेक्ट्रिकल के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। मैं भी आपको इलेक्ट्रिकल के बारे बताता हूँ जो प्रैक्टिकल बात है, और हमारे इलेक्ट्रिकल सर भी है वो अलग से आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल्स के बारे में क्लास लेते हैं, दोनों साथ चलता है, मैकेनिकल का भी और उनका इलेक्ट्रिकल क्लास के भी। तो इलेक्ट्रिकल में आप दो फायदा है, डबल फायदा है, मैं भी इलेक्ट्रिकल का बताता हूँ और वो भी इलेक्ट्रिकल बताते हैं, मैं इलेक्ट्रिकल का बताता हूँ प्रैक्टिकल बात, क्या
और वो बताएंगे आपको पूरा थ्योरी बात, डेफिनेशन वगैरह। और इसके बाद आता है ट्रबल शूटिंग, इसके बाद आता है ट्रबल शूटिंग, कोई भी मशीन में क्या प्रॉब्लम आया है। पहले होता है डायग्नोसिस, पहले होता है बीमारी क्या है, जब तक बीमारी क्या है, किस में बीमारी है, मनुष्य का किस अंग में बीमारी है, यानी हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम का किस कंपोनेंट में बीमारी है वो पता लगाएंगे। इसको बोलता है रूट कॉज एनालिसिस। क्या पहले कारण का जड़ खोजना है, उसके बाद उसका समाधान। क्या सर, टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग में AGAC कोर्स के खास बात है उनका प्रैक्टिकल्स। सर थोड़ा प्रैक्टिकल्स के बारे में बताइए। प्रैक्टिकल्स में सबसे पहले हमारा टूल्स, क्या टूल्स एंड टैकल्स क्या क्या होता है उसके बारे जानकारी देते हैं, दिखाते हैं कि ये टूल्स ये काम करता है। और हाथ से आप अपने हाथ से काम करेंगे तो एक चीज होता है, सबसे पहले होता है ट्यूब का कटिंग, ट्यूब कटर से कॉपर ट्यूब काटना, इसके बाद इसे फ्लेयर करना फ्लेयरिंग टूल्स के द्वारा, उसके बाद स्वेजिंग करना ताकि एक ट्यूब दूसरे ट्यूब में थोड़ा सा घुस सके, इसके बाद गैस वेल्डिंग ब्रेजिंग, क्या कॉपर टू कॉपर ट्यूब का ब्रेजिंग। इसके बाद आता है डोमेस्टिक यूनिट्स, यानी विंडो एसी, स्प्लिट एसी का रेफ्रिजरेशन सिस्टम और वायरिंग, उसके वायरिंग आप अपने हाथ से करते हो। इसके बाद आता है एक रेफ्रिजरेटर में कैसे वैक्यूम करते हैं, कैसे गैस चार्ज करते हैं। इसके बाद आता है 440 वोल्टेज, क्या DX यूनिट जो हमारे पास है वो है करीब 8.5 TR का, 8.5 TR, वो डक्टेबल स्प्लिट है, उसका आउटडोर और इंडोर दोनों का पूरा पूरा डिसमेंटल करके हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं, और उनकी वायरिंग और कंट्रोल सर्किट आप बनाते हैं क्या। कंट्रोल सर्किट 440 वोल्टेज में काम करने के लिए लाइसेंस चाहिए, कंट्रोल सर्किट होता है सिंगल फेस 220 वोल्टेज, तो उसमें काम करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। तो ये कंट्रोल सर्किट का वायरिंग आप खुद करते हैं, सीखते हैं। इसके बाद आता है साइट विजिट, क्या चिलर प्लांट। आप तो यहाँ थ्योरी में चिलर प्लांट की बात बोर्ड में बताते हैं, और यही चीज आपको साइट विजिट जहाँ असली में चिलर प्लांट है, जो कि 370 TR का एक चिलर प्लांट है, और एक चिलर प्लांट है 150 TR का, 150 TR का, तो दोनों चिलर प्लांट का आप विजिट कराते हैं हम लोग, जो जमशेदपुर में कोई भी इंस्टीट्यूट ये विजिट नहीं कराता है। ओके सर। सर अभी प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए HVAC की कोर्स करने के बाद हम लोग का जो स्टूडेंट्स है उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसा होता है। देखिए एयर कंडीशनिंग दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग यानी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो AC और बढ़ेगा, तो इसके लिए आपका वांट भी ज़्यादा आएगा सारे दुनिया में। और हमारे इंडिया में जो सैलरी है, गल्फ कंट्रीज क्यों जाने का क्रेज क्यों है कि वहाँ सैलरी ज़्यादा है, वहाँ सैलरी काम यही है, सैलरी ज़्यादा है। आज यहाँ जो टेक्नोलॉजी है वहाँ भी है, और हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो इसमें बहुत स्कोप है, HVAC में बहुत स्कोप है। ओके सर। सर जैसे आपने बोला है कि हम लोग का जो स्टूडेंट्स है वो पास आउट होके इंडिया में भी उसको काम मिल जाता है, गल्फ में भी उनका उनके लिए काम मिल जाता है, तो सर आप प्लीज़ बताइए इन स्टूडेंट्स को आप लोग तैयार कैसे करते हैं स्पेशली गल्फ कंट्रीज में प्लेसमेंट के लिए। हमारे यहाँ ट्रेनिंग में पहला दिन से आपको तैयारी शुरू हो जाती है इंटरव्यू का, इंटरव्यू में क्या क्या सवाल करता है और उसका जवाब क्या होना चाहिए
सवाल करने वाला क्या जवाब मांगता है या सवाल करने वाला क्या सवाल पूछा है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये चीज पहले दिन से आपको बताया जाता है। और कोई भी जवाब बहुत कम शब्द में, क्या ये बात होती है। और क्या होता है कि जो इंटरव्यू लेने वाला है वो सिर्फ इतना पता करता है कि आप सच में काम किया कि नहीं। तो हम लोग बताते हैं प्रैक्टिकल बात कि इस प्लांट का प्रेशर कितना होता था, रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कितना होता था, पानी का प्रेशर कितना होता था, करंट कितना लेता था, वोल्टेज कितना होता था, कितना किलोवाट का मोटर होता था, चाहे कंप्रेसर मोटर हो, चाहे पंप मोटर हो, कंडेंसर पंप हो, चिलर पंप हो, वो कितने किलोवाट का है, या सिटी फैन मोटर हो, वो कितने किलोवाट का था। तो इतनी जानकारी हम आप लोग को दे देते हैं ताकि आप इंटरव्यू में कोई भी सवाल करें तो जवाब दे सको। तब उनको पता लगता है कि बंदा ज़रूर काम किया है। अगर काम नहीं किया तो इतनी बात याद नहीं रहती। सो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ थे हम लोग का सीनियर फैकल्टी गौतम सर। और सर, आपने हम लोगों को इतना मूल्यवान समय दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सो फ्रेंड्स, अगर आप टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग जमशेदपुर में HVAC का कोर्स करना चाहते हैं तो प्लीज़ स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे फ़ोन करें या व्हाट्सएप करें। थैंक यू। आइए मैं आपको बताता हूँ कि इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कौन कौन सा ट्रेनिंग कराया जाता है। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे कि मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, BE, BTEC के क्वालिफिकेशन को देखते हुए बहुत सारे शॉर्ट टर्म सर्टिफाइड ट्रेनिंग कराया जाता है, जैसे कि PLC एंड स्काडा प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, फायर अलार्म टेक्नीशियन, HVAC इंजीनियर, HVAC टेक्नीशियन, BMS टेक्नीशियन, BMS ऑपरेटर, CCTV टेक्नीशियन, CCTV ऑपरेटर, इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल टेक्नीशियन, मैकेनिकल फिटर, वेल्डर, लैंड सर्वेयर, सिविल फोरमैन, ऑटोकैड ड्राफ्ट्समैन, क्रेन ऑपरेटर, एक्सकवेटर ऑपरेटर एंड JCB ऑपरेटर। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेनिंग से रिलेटेड और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का लैब आपको बेहद पसंद आया होगा। और मैं ये भी बता दूं कि इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जिस भी ट्रेड में ट्रेनिंग दिया जाता है उसका भी लैब बहुत अच्छे से सेटअप किया गया है, क्योंकि इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाता है जो यहाँ के स्टूडेंट्स को स्किल्ड और कॉम्पिटेंट बनाता है, जिसके बिना पर यहाँ के स्टूडेंट कॉन्फिडेंटली किसी भी कंपनी में जाकर इंटरव्यू देते हैं और इंडिविजुअली एंड इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने कैरियर को लेकर चिंतित हैं और जॉब के लिए परेशान हैं, तो आइए आपको हम ट्रेनिंग देकर जॉब करने के लायक बनाएंगे। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, आप सभी का ये अधिकार है कि आप एक कामयाब जिंदगी गुजारें। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए आपके पास एक अच्छे जॉब का होना बहुत जरूरी है। और आज के इस कॉम्पिटेटिव टेक्निकल दुनिया में आपको जॉब तभी मिलेगा जब आपके पास टेक्निकल नॉलेज होगा। तो आइए आपको हम टेक्निकल ट्रेनिंग देकर जॉब करने के लायक बनाएंगे। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास स्किल होगा तो आपको जॉब डेफिनेटली मिलेगा। तो आइए काम सीखें और देश विदेश में नौकरी पाएं। इस वीडियो के आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारे Facebook पेज को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर लें, ताकि कोई भी जॉब से रिलेटेड या ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि ये वीडियो हर जरूरतमंद तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।